एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बी एस पी सी एल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नंबर 66 थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है सिंक्रोनस मोटर से उठाया है और अगर इसके थ्योरी को समझ लेते हैं तो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। एक सिंक्रोनस मोटर सामान्य उत्तेजना के साथ एक लोड पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली मान लेते हैं उस पर जो लोड है वो P है और एक्साइटेशन EF है। ठीक है, EF तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पर बाद में बोला है यदि मोटर का लोड बढ़ाया जाए ये जो लोड है P ये इंक्रीज कर जाएगा तो निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ जाएगा। तो बोल रहा है कि इसमें किस पर इफेक्ट पड़ेगा, पावर फैक्टर, टॉर्क एंगल, बैक EMF या फिर आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा, किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा समझ लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की तो यहाँ पर एक स्टेटर होता है। ठीक है, जहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, इसको हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। तो हमारा जो मैग्नेट होता है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड ये रोटेट कर रहा होता है 120 f/p स्पीड से। ठीक है, ये सिंक्रोनस स्पीड होता है और हमारा जो रोटर होता है वो इसको फॉलो करता है। ठीक है, रोटर के अंदर हम लोग एक्साइटेशन देते हैं और जिससे यहाँ पर भी एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल होता है इस साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर सेम ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब ये तो तेजी से रोटेट कर रहा है तो नीचे ही हमारा ये जो रोटर वाला पोर्शन होगा रोटर भी तेजी से रोटेट करेगा और ये जो रोटेशन जो इसका होता है पूरी तरह से इसको फॉलो करता है स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब कि जितना इसका स्पीड होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही स्पीड होगा हमारा इस रोटर का भी। ये स्पीड डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी और पोल पर। ठीक है, अब होता क्या है। ठीक है, अब टॉर्क एंगल क्या है, टॉर्क एंगल होता है हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का उसके और ये जो रोटर का है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये इससे कितना ज्यादा डिस्प्लेस होता है ये हमारा टॉर्क एंगल होता है। अब जब हमारा ये स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है और ये इसको फॉलो कर रहा है और ऐसे में अचानक जब हम लोग इस पर लोड बढ़ाते हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लोड होता क्या है, कैसे हम लोग इसके लोड को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल एक मोटर है लोड बढ़ाने के लिए। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिक्सर का, हालांकि मिक्सर में इन्वर्टर मोटर लगा रहता है, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। अभी उसमें हम लोग कुछ मसाला का छोटा सा क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा लेकर के हम लोग इसको मिक्सी में ग्राइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ थोड़ा समय बाद इसमें हम मसाला की क्वांटिटी को बढ़ा दिए तो क्वांटिटी को जब बढ़ा देते हैं तो इस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ना शुरू हो जाता है हमारा जो मोटर होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लोड को बढ़ाना। अब यहाँ पर किसी चीज को लेकर के रोटेट कर रहा था, अब अचानक से हमने लोड बढ़ा दिए तो क्या होता है थोड़ा देर के लिए हमारा ये जो रोटर होता है वाइब्रेट करता है, ऑक्सीलेट करेगा थोड़ा देर। ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर डैम्पर बार लगा होता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन को रोकने के लिए इसका जो ये जो हमारा रोटर है रोटर के पोल फेस पर मतलब आगे के सिरा में यहाँ पर डैम्पर बार वायर लगा होता है। अब जब ये वाइब्रेट करता है तो यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है और इस EMF की वजह से इसमें करंट जनरेट होगा और इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो इसके वाइब्रेशन के गति का अपोज करता है और इसको स्थिर करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम लोग डैम्पर बार लगाते हैं तो थोड़ा देर के लिए वाइब्रेट करता है और इसका जो एंगल होता है थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन के बाद जो इसका स्पीड होगा एक समान हो जाएगा, फिर से इस सिंक्रोनस स्पीड से घूमना शुरू हो जाएगा। मतलब कि विदाउट लोड अगर यहाँ पर एंगल 45 या फिर 45 डिग्री मान लेते हैं तो लोड बढ़ाने के बाद एंगल कुछ बढ़ करके 50-55 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और ये होता है डेल्टा, डेल्टा में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये तो ठीक हुआ, ये थ्योरेटिकल हुआ एक तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसको मैथमेटिकल समझे तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उससे रिलेटेड हम लोग और भी ज्यादा क्वेश्चंस का जवाब दे सकेंगे। फॉर एग्जांपल आर्मेचर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम लोग पावर बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट पर या फिर लोड बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, टी इज इक्वल टू
वी इंटू ई एफ बाई एक्स साइन डेल्टा, ठीक है। अब यहां पर हमारा कॉन्स्टेंट पार्ट कौन सा है, वी कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू ई एफ साइन डेल्टा। हमारा ई एफ किसकी चीज पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ओमेगा पर और साथ में फाई पर, ठीक है। तो हमारा जो एक्साइटेशन है कॉन्स्टेंट रहेगा, ये पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी है, और ऐसे भी अगर देखें तो ओमेगा पर मतलब कि इसके स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, थोड़ा देर के लिए ऑक्सीलेट किया फिर इसका जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड ही हो गया। और फाई, फाई डिपेंड करता है आई एफ फील्ड करेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग डीसी सप्लाई करते हैं रोटर में, जो फील्ड जनरेट करता है वहां पर हम लोग डीसी सप्लाई करते हैं और जिससे करंट आई फ्लो करता है और वहां पर फ्लक्स जनरेट होता है जिससे उसके अंदर रोटर के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल बनता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो साउथ और नॉर्थ पोल बन रहा है इसके अंदर हम लोग डीसी सप्लाई करते हैं देते हैं जिसके वजह से बनता है। तो इस डीसी सप्लाई में यहाँ पर आई एफ में हम लोग किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं लाए हैं, तो हमारा फाइव भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर ओमेगा और फाइव दोनों कॉन्स्टेंट रहेगा इसलिए ई एफ भी कॉन्स्टेंट रहेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी है कि हमारा जो एक्साइटेशन है वो कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ई एफ साइन डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग एक्स बाई वी को कॉन्स्टेंट रखे हुए हैं तो इसको हम लोग के एज्यूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा के इंटू पी, ठीक है। तो अब हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जहाँ हमारा वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए और साथ में ई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं वी और प्लस आई एक्स, वी और आई ए इंटू एक्स, ये मिलाकर के ई होता है, ठीक है। तो अगर अरे जो आई ए इंटू एक्स होगा हमेशा आई ए पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आई ए ड्रॉ कर लिए हैं, ये हमारा आई ए है और इस आई ए पर परपेंडिकुलर है आई ए इंटू एक्स और ए हमारा हो जाएगा ई। तो ई तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो ई जहां भी जाए कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। किसी भी एंगल में अगर हम ड्रॉ करें, किसी भी एंगल पर ड्रॉ करें, ये कॉन्स्टेंट होगा। और ए जो एंगल होगा, सिंस ए वी और ई के बीच का एंगल है तो इसको हम लोग डेल्टा बोलेंगे। तो ई एफ इसको वन लेते हैं तो डेल्टा वन हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ, एक और लेते हैं ये हो जाएगा ई एफ टू और ए हो जाएगा ई एफ थ्री, ठीक है। एक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं ई एफ फोर, ये सारा पॉइंट एक सर्किल पर होगा क्योंकि सारा इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ई एफ फोर के लिए हम लोग यहाँ पर आई एफ फोर इंटू एक्स ड्रो कर सकते हैं, ये हो जाएगा आई ए फोर इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आई ए इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। इसके मुकाबले में रेड कलर से जो दिखाया गया था आई ए इंटू एक्स ये बड़ा था और यहाँ पर आई ए इंटू एक्स छोटा है। और यहाँ पर x तो दोनों में कॉन्स्टेंट है, x में हम लोग किसी चीज का चेंजिंग नहीं किए, तो हमारा चेंजिंग किस में हो रहा है, IA में। मतलब कि यहाँ पर जो IA है रिड्यूस हो गया है सेकेंड केस में, मतलब कि डेल्टा का वैल्यू घटाने से हमारा जो IA है वो रिड्यूस हो गया है, इसको हम डेल्टा फोर लिखेंगे। और इसको जब परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे तब हमारा ये मैच करेगा IA फोर से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा IA फोर, IA फोर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस करंट से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम छोटा भी दिखा दिए हैं। उसके बाद आते हैं ई एफ टू पर, अब ई एफ टू को हम लोग वी से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा आई ए टू इंटू एक्स होगा, मतलब कि वी प्लस आई ए टू इंटू एक्स मिला करके ई एफ टू बन गया। यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू फिर से चेंज हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा टू। और इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग करंट ड्रॉ करें तो इस पर परपेंडिकुलर होगा करंट, ठीक है। आई ए इंटू एक्स क्या होता है, करंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें जो करंट होगा इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, तो वो आएगा कुछ इस तरह। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आई ए इंटू एक्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ पर करंट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा और इस येलो पर परपेंडिकुलर होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं करंट, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस पर यह हो जाएगा आई ए टू, ठीक है। अब हम लोग फिर से इसको भी सेम तरीका से मिला लेंगे और यहाँ पर करंट का वैल्यू फिर से इंक्रीज कर जाएगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आई ए फोर था, इसका वैल्यू आई ए का इंक्रीज करता चला गया है, उसके बाद आई ए आया, उसके बाद ये ब्लू कलर आई ए टू, फिर यहां पर आई ए थ्री, ठीक है, इस तरह से आई ए का वैल्यू इंक्रीज करता चला गया है। तो यहां पर हम लोग डेल्टा में चेंजिंग किए, इसको थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं आगे। अगर वी और आई के बीच के एंगल का बात करें तो ए होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जिसको हम लोग फाइव से डिनोट करेंगे। यहाँ पर डेल्टा जो है हमारा टॉर्क एंगल है, जो कि है ई और वी के बीच में, और हमारा जो पावर फैक्टर फाई है वी और आई के बीच में है। तो अगर हम फाई के लिए देखें तो यहाँ पर फर्स्ट केस में आई ए फोर फाई जो आया था पॉजिटिव आया था, मतलब वोल्टेज पर जो एंगल है पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर लीड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आया था मेरा ब्लैक के बाद रेड कलर का, ए हो जाएगा फाई टू, ठीक है, उसके बाद सॉरी रेड कलर का फाई वन, उसके बाद फिर ब्लू कलर का साथ जो एंगल बनेगा वो फाई टू, और फिर यहां पर फाई थ्री। पावर इक्वल टू एक चीज और हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, ठीक है, हालांकि इसका रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, इसको लेकर के चलते हैं। यहां पर हमारा क्या है, ई एफ साइन डेल्टा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर पी का, ठीक है, या फिर ई एफ साइन डेल्टा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के इंटू पी, जहां पर के हमारा कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम बात करें ये जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया हुआ है ई, अगर ई कॉस डेल्टा यहां पर लेंगे हम तो हमारा आएगा यहां से लेकर के यहां तक, सॉरी ई साइन डेल्टा, ई कॉस डेल्टा आएगा यहां तक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ई साइन डेल्टा जो आएगा हमारा ई है यहां पर आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग लिए हैं आई ए फोर, ठीक है, तो इसको के इंटू पी फोर नाम दे दे रहे हैं। उसके बाद इस रेड के लिए बात करें तो यहां पर जो पी का वैल्यू आएगा वो आएगा के के इंटू पी वन, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग वन एज्यूम करके चले थे आई ए वन। उसके बाद अगर यहां पर देखें तो ए आ जाएगा के इंटू पी टू, यहां पर आई ई एफ टू लिए थे या फिर आई टू लिए थे, उसके बाद इसका अगर बात करें तो ए आ जाएगा के पी थ्री, ठीक है। अब के तो यहां पर सारा में कांस्टेंट है, पी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं यहां पर ई पी जो है इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि लोड इंक्रीज कर रहा है। अब सारा कुछ हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग इसमें पी फोर और पी वन में कंपेयर करते हैं, तो यहां से यहां तक आने में पावर बढ़ा है, लोड बढ़ा है। अब लोड बढ़ने के साथ साथ यहां पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो आई का वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया, यहां पर आई ए फोर जो था वो छोटा है आई ए वन से, तो सबसे पहले आई का वैल्यू इंक्रीज कर गया। पावर फैक्टर जो पहले लीडिंग था, ठीक है, यहां पर फाई पॉजिटिव था, लीडिंग था, और लीडिंग से बढ़कर के यूनिटी फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, और जब पावर लोड को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर से फिर ये लैगिंग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा पावर फैक्टर है वो लीडिंग से लैगिंग की ओर बढ़ रहा है, पावर फैक्टर लीडिंग से लोड जैसे जैसे बढ़ रहा है ये लीडिंग से लैगिंग की ओर जा रहा है, ठीक है। फाई क्या हुआ, पावर फैक्टर फाई यहां पर पॉजिटिव से निगेटिव की ओर भागेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो तीन चेंजिंग हम लोग को यहां पर दिख रहा है, करंट, पावर फैक्टर और फाई। फाई तो चेंज होगा तो पावर फैक्टर चेंज होगा ही, मतलब कोई दो हम लोग याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपना क्वेश्चन पर, हाँ, और साथ में डेल्टा, डेल्टा की ओर अगर बात करें तो इनिशियली डेल्टा, डेल्टा हमारा ई और वी के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो इनिशियली जो डेल्टा है, जब हम लोग पावर पी फोर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पावर था, ये हमारा था डेल्टा फोर, और उसके बाद ये आ गया डेल्टा वन, ठीक है। तो ये डेल्टा फोर से डेल्टा वन, मतलब कि पावर फैक्टर हमेशा इंक्रीज कर रहा है, फिर येलो के केस में और भी ज्यादा एंगल इंक्रीज कर गया डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, लोड बनने से डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि यहां पर ये चार चीज आ गया जो हम लोग को याद रखना है, चारों में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। करंट इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा इंक्रीज कर रहा है, पावर फैक्टर लीडिंग से लैगिंग की ओर जा रहा है, या फिर कहीं कहीं पर पूछता है डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है पावर फैक्टर। तो यहां पर देख रहे हैं हम लोग इनिशियली एंगल ज्यादा था, वी आई के बीच का एंगल यहां पर ज्यादा था, उसके बाद एंगल जीरो हो गया, उसके बाद फिर माइनस, मतलब कि अधिक से कम एंगल
डिक्रीज कर रहा है, एंगल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंगल जैसे जैसे डिक्रीज करेगा हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग सिंपली कहीं पूछता है क्वेश्चन कि इंक्रीज करेगा पावर फैक्टर या डिक्रीज करेगा, तो हम लोग बोलेंगे पावर फैक्टर लोड बढ़ने से इंक्रीज करता है। ठीक है, और ये जो डिक्रीज करेगा सिर्फ और सिर्फ लीडिंग के केस में, जैसे ही हम लोग लैगिंग केस में इंटर करते हैं उसके बाद क्या होगा, पावर बढ़ने से फिर एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब एंगल बढ़ेगा तो फिर पावर फैक्टर डिक्रीज करने लगेगा। मतलब कि लीडिंग में पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा और लैगिंग में फिर पावर फैक्टर डिक्रीज करेगा। तो इसको याद रखना है, लीडिंग में पावर फैक्टर इंक्रीज करता है, लैगिंग में डिक्रीज करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गया जिसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ऊपर क्वेश्चन पर। सबसे पहले पूछ रहा था किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा, पूछ रहा था तो पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर पर इफेक्ट पड़ेगा। और पावर फैक्टर क्या होगा, यहाँ पर ये नहीं दिया है कि लीडिंग का केस है या फिर लैगिंग का। ठीक है, तो लैगिंग केस में पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है और लीडिंग केस में इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये पार्शली ट्रू है। ठीक है, इसको अभी छोड़ के चलते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन टॉर्क एंगल डेल्टा। डेल्टा हम लोग क्या देखें, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके अलावा आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट हम लोग क्या देखें, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर टॉर्क भी बढ़ेगा और साथ में आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी और डी दोनों होगा। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है और उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आप इसका जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन एडजस्ट टू लोड इंक्रीजेज, यहाँ पर बोल रहा है कि लोड इंक्रीज कर गया तो इसमें से कौन सा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इससे मैंने आर के राजपूत बुक से उठाया है, बुक का नाम है आर के राजपूत। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा फिर से टॉर्क एंगल और आर्मेचर, लेकिन अगर हमको कहीं पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना रहा तो वहां पर ज्यादा रेफरेंस हम देंगे आर्मेचर करंट को। अगर टॉर्क एंगल के वाइब्रेशन को अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, अगर इसके ऑक्सीलेशन को भी कंसिडर करके चले तो हम लोग यहाँ पर एक आंसर अगर देना रहेगा तो आर्मेचर करंट ही सिर्फ देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ लोड एंगल ऑफ ए फोर पोल सिंक्रोनस मोटर इज 6, यहां पर दिया है डेल्टा का वैल्यू, लोड एंगल है 6 डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मैकेनिकल डिग्री में क्या होगा वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं क्या, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू सिंपल सा क्वेश्चन था पी बाई टू थीटा मैकेनिकल, सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल कितना है 4/2 × 6, मैकेनिकल हम लोग को निकालना है, इसको हम लोग ले लेंगे 6 इज इक्वल टू इतना, तो आ जाएगा 12/4 मतलब कि 3, आंसर बी होगा, सिर्फ रिवीजन के लिए हमने दिया था। और अगर इस फॉर्मूला को जांच करना हो तो हम लोग सिंपली यहाँ पर फोर पोल ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ और साउथ के बीच जो मैकेनिकल एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, पर हम लोग जानते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच इलेक्ट्रिकल जो डिग्री होता है वो होता है 180 डिग्री। देख रहे हैं यहाँ पर वेरीफाई होता है कि नहीं, हमारा थीटा इलेक्ट्रिकल 180 आता है कि नहीं। यहाँ पोल 4 है, 4/2 × मैकेनिकल है 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 × 45 आ गया 180। ठीक है, तो इससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर मान लेते हैं यहाँ पर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो गया एग्जाम में कि यहाँ पर थीटा इलेक्ट्रिकल होता है या मैकेनिकल, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंक्रोनस मोटर व्हिच लॉस वेरी विथ लोड, तो हम लोग यहाँ पर देखें लोड बढ़ने से क्या हो रहा है, आर्मेचर करंट इंक्रीज कर रहा है, और जब आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा तो आई स्क्वायर आर कॉपर लॉस ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो 3 में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉपर लॉस सी। ठीक है, वायर में कॉपर हो या ना हो कॉपर लॉस होता है, क्योंकि कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द ऑक्सीलेशन इन ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी डैम्प्ड आउट, ऑक्सीलेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं उसमें, डैम्पर वायर, डिस्कस हो चुका है, तो इसका आंसर सी होगा। उसके बाद है सिंक्रोनस मोटर आर क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग या फिर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो ए हो जाएगा नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, क्या करते हैं हम लोग प्राइम मूवर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर स्टेटर का जो पोल हुआ नॉर्थ और साउथ और बीच में हमारा रोटर लगा हुआ है,
तो एक्चुअली ए जो होता है स्टार्टिंग में काफी तेजी से मूव करता है, यहाँ पर हम लोग को नॉर्थ और साउथ तो मिल जाता है, साउथ और नॉर्थ डीसी एक्साइटेशन दे करके यहाँ पर साउथ और नॉर्थ बना लेते हैं। लेकिन अगर इसको हम स्टार्टिंग में रोटेट नहीं करवाएंगे तो ए काफी तेजी से फास्ट रोटेट करते रहता है, लॉक कर पाना दोनों को मुश्किल है, नहीं संभव हो पाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको भी हम लोग तेजी से रोटेट करवा देते हैं, दोनों इक्वल स्पीड से रोटेट करवा लेते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने आता है लॉक हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग प्राइम मूवर को हटा लेते हैं, फिर हमारा ये जो मोटर है स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, हम लोग को प्राइम मूवर की जरूरत पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर पोल, क्या हो जाएगा रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल के बीच का एंगल, टॉर्क एंगल हो जाएगा, आंसर होगा ए। इन ए सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन, ए डैम्पर वाइंडिंग कहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो रोटर शाफ्ट में, क्योंकि रोटर शाफ्ट ही वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग रोटर शाफ्ट में ही उसके शू में ही डैम्पर बार डैम्पर वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ए सिंक्रोनस मोटर डेवलप मैक्सिमम पावर व्हेन लोड एंगल इज, मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, पी बराबर वी ई बाई एक्स साइन डेल्टा। अब जब हमारा ए साइन डेल्टा, डेल्टा जब मैक्सिमम होगा, साइन डेल्टा मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पर, जब डेल्टा होगा 90 डिग्री, तो ए मैक्सिमम जो पावर होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ऑप्शन सी। तो ये सारा क्वेश्चन हमने आर के राजपूत से उठाया था, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और एग्जामिनेशन अब काफ़ी करीब आ गया है, ठीक है। तो अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें और टेस्ट अटेंड करें, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।